हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं इस बार एग्ज़ाम 10 सेशन तक करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता दूं कि मैं अपना एग्ज़ाम खुद से करा था। आज से करीब 2 साल पहले भी मैंने अपना एग्ज़ाम किया था, 2 ढाई साल पहले। तो उस टाइम मैंने 3 सेशन लिया था, और 3 सेशन लेने के बाद मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है वो चले गए थे। तो फिर मैंने इस बार फिर से लॉकडाउन होने की वजह से मैंने फिर से कराया अपना एग्ज़ाम। और जब मैंने इस बार किया ना, तो मैंने ये सोच के किया कि मैं 10 सेशन तक करूँगा और मेरे रिज़ल्ट जो 100% आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, मेरे बाल जो ना अभी भी 40% के आसपास ही आए हैं। अब वो भी जब मैंने 3 सेशन लिया था, उस वक्त भी मेरे बाल इतने ही आए थे और अभी भी इतने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजामा से नहीं, क्या होता है कि हमारे टॉक्सिन्स के नीचे जो रूट्स जड़ जो होते हैं बाल के, वो दबे पड़े होते हैं, वही निकल के आते हैं, नए रूट्स नहीं बनते हिजामा से। मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को हिजामा से रिलेटेड अपना कोई भी एक्सपीरियंस हो, मतलब अच्छा बुरा जो भी चीज़ आपको हिजामा करने के बाद महसूस हो रहा है, तो वो बातें आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जो लोग हिजामा को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, उनका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे जो रिज़ल्ट आए हैं वो मैंने 10 सेशन की बात के वैसे भी आपको मैंने दिखाया था, पर अभी जो मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ वो 1 महीने के बाद के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने हिजामा तो करना बंद कर दिया, तो हिजामा करना बंद कर दिया तो उसके बाद ना 1 महीने हो गए, तो 1 महीने होने के बाद के मैं आज आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो मेरे जो बाल हैं ना वो 40% के आसपास है, उसके आसपास ही है, बस थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं। इम्प्रूव क्या हुआ है कि मोटापन जो है ना मेरे बाल का, वो होना शुरू हो गया, मेरे बाल मोटे होने शुरू हो गए, स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो गए, और घनापन जो है ना वो बढ़ रहे हैं। वैसे तो कैमरे पे उतना दिखता नहीं क्लियर, पर मेरे उंगलियों से जब मैं एहसास करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे घनापन बढ़ना शुरू हो गया। और मैंने अपने भाइयों से भी चेक कराया, तो उन लोगों का भी कहना है कि छोटे छोटे बाल ना निकल रहे हैं, वो वैसे कैमरे पे नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे ब्लैक कलर के हैं, वो निकलने शुरू हो रहे हैं। ये बाल तो बड़े हैं और छोटे छोटे निकल भी रहे हैं, तो देखते हैं अभी जैसे जैसे बाल बड़े होंगे, मैं हर महीने महीने अपना रिजल्ट आपको दिखाता रहूँगा। और करो आप लोग एग्जाम, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको मुझसे बात भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।